गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द ब्यूटी सीक्रेट। डार्क सर्कल इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम और आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। डार्क सर्कल यानी कि आंखों के नीचे पड़ने वाले काले घेरे, ये किसी भी खूबसूरती में एक धब्बे की तरह होते हैं। डार्क सर्कल होने के कई सारे रीजंस होते हैं। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारा पूरा दिन लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन के सामने ही गुजरता है और हमारी आंखों को बहुत सारी लाइट को फेस करना पड़ता है। हमारी नींद पूरी ना होने के कारण भी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं। इन्हीं सब रीजंस की वजह से आई डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। हम जब इसे हटाने के लिए कोई क्रीम यूज करते हैं या कोई रेमेडी यूज करते हैं तो कुछ दिनों के लिए ये चले जाते हैं, पर उसके बाद ये फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक रेमेडी ऐसी है जिसको मैंने ट्राई किया है, इसके जो रिजल्ट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी के रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि इसको छोड़ने के बाद भी डार्क सर्कल वापस नहीं आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ और ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कप ले रही हूँ और इसमें मैं ऐड करूंगी एक चम्मच कॉफी पाउडर। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आंखों के आसपास की स्किन को टाइटन अप करती है और उस पर होने वाले फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करने का काम करती है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रोज वाटर। रोज वाटर से हमारी आई की स्वेलिंग और पफिनेस दूर होती है। इसको मैं ऐड करूंगी 2 से 3 चम्मच। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है कुकुम्बर। इस कुकुम्बर में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जो डार्कनेस को दूर करने और आई पफिनेस को भी रिड्यूस करने का काम करती है। इसको मैं 2 से 3 चम्मच ऐड करूंगी। इसका जूस आपकी आंखों को ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। इसमें विटामिन सी होता है जो आपकी अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है। अब हमारा फिफ्थ और फाइनल इंग्रेडिएंट है पोटैटो। पोटैटो यानी कि आलू। पोटैटो जूस स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में काफी इफेक्टिव होता है। ये स्किन को एक्सफोलिएट करने का भी काम करता है। इसको भी मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऐड करूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ऐसा लिक्विड फॉर्म में आपको नजर आएगा। अब इसके बाद आपको आइस क्यूब ट्रे लेनी है और इस मिक्सचर को ट्रे में डालना है। अब आपको इसका आइस बना लेना है। आइस बन जाने के बाद आपको जब कभी भी टाइम मिले इसमें से एक क्यूब निकालकर आप चाहे तो डायरेक्टली या फिर किसी कॉटन की हैंकी में इसे रैप करके अपने अंडर आई एरिया पर 5 से 10 मिनट तक रब करना है। और इसको इसे ऐसे ही सूखने तक छोड़ देना है। अच्छे से सूख जाने के बाद इसे आपको वॉश कर लेना है। इसको यूज करने के बाद आंखों की स्वेलिंग, पफिनेस सब गायब हो जाएगी। इसको वॉश करने के बाद आपको एक और काम करना है। सोने से पहले आपको थोड़ा सा बादाम तेल लेना है। मैं यहाँ पर हमदर्द का बादाम तेल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी वर्जन बादाम का तेल ले सकते हो। उसको अपनी फिंगर टिप की हेल्प से अपने अंडर आई एरिया पे मसाज करना है। मसाज आपको तब तक करना है जब तक ऑयल पूरी तरह स्किन पर एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब आपको इसे वॉश नहीं करना है, इसे ओवरनाइट आई पर लगा रहने देना है। बादाम का तेल स्किन को हाइड्रेटेड रखने का काम करता है। हमारी आई के आसपास की स्किन काफी थिन होती है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फेस। यहाँ की स्किन काफी जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसे हाइड्रेटेड रखने के लिए बादाम का तेल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ इसमें कई टाइप के विटामिन भी होते हैं जो कि हमारी आई के लिए ही नहीं बल्कि पूरी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपको इसे दिन में एक बार अप्लाई करना है।
सोने से पहले बादाम तेल से आंखों के आजू बाजू के एरिया पर मसाज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम विद इन अ वीक गायब हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।